एक वीडियो गजेंद्र मोक्ष पेपर में पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, तो उस पर लोगों ने काफ़ी कमेंट किए और गजेंद्र मोक्ष के लाभ के बारे में पूछा कि हम गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें तो क्या लाभ मिलेगा। तो मुख्य रूप से पांच फायदे या लाभ जो हैं वो मिलेंगे, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको 10 करीबन लगभग 10 फायदे जो मिलते ही हैं वो आपको बताऊंगा। पहला, गजेंद्र मोक्ष जो है इसका पाठ करने से, जब आप इसका पाठ करेंगे तो आपको जेल योग से छुटकारा, मतलब मान लीजिए यदि आप जेल के बंधन में हैं, कारावास में हैं, तो आपको जरूर गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना चाहिए। गजेंद्र मोक्ष बंधन को तोड़ता है, मुक्त करता है। दूसरा, संतान सुख, मतलब आपके संतान सुख नहीं है, संतान नहीं हो पा रही है आपके परिवार में, वंश में, तो आपको गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु की भक्ति होगी और उससे भगवान विष्णु की भक्ति से संतान वृद्धि होगी, आपका वंश चलेगा। ये इसका दूसरा फायदा है। तीसरा फायदा है आपका छठा भाव और बारहवां भाव, बंधन का भी है, रोग रिपु ऋण का भी है, तो छठा और बारहवां भाव आपका मजबूत होने लगता है, अच्छा फल मिलने लगता है जब आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते हैं। आपका छठा भाव और बारहवां भाव मजबूत होगा और आप पर शत्रु हावी नहीं हो सकते। चौथा है तनाव खत्म, मतलब आप किसी तनाव में हैं, डिप्रेशन में हैं, चिंता आपको कोई खाए जा रही है, तो इसका पाठ अगर आप करते हैं गजेंद्र मोक्ष का, तो आप सभी तरीके की चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं, ये चिंता मुक्त कर देता है। पांचवा है तंत्र मंत्र, किसी ने आपके परिवार के ऊपर कर दिया हो या आपके ऊपर करने की कोशिश करता हो, यदि आप इसका पाठ करते हैं तो ना तो आपके घर वालों पर, ना ही उस जगह पर, ना ही आप पर इसका असर हो सकता है। तंत्र मंत्र की क्रिया को काटने में भी ये अद्भुत है, विलक्षण है। छठा जो है, अब भगवान नारायण की सेवा होती है इसमें, तो पितृदोष में शांति मिलती है। मान लीजिए किसी भी तरीके का पितृदोष है, पितृप्रकोप है, या पितृ शांति आपको चाहिए, पितरों को मजबूत करना है और वो खुश रहें, वैकुंठ की उनको प्राप्ति हो, तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना चाहिए। पितर बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। आगे है भगवान नारायण की हम सेवा कर रहे हैं, भगवान नारायण की सेवा करने से ये फायदा मिलता है, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करेंगे तो सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। जितने भी देवी देवता हैं सब भगवान नारायण की भक्ति से प्रसन्न होते हैं, तो आप इसका पाठ करेंगे जितने भी देवी देवता हैं सब आप पर आशीर्वाद बनाए रखेंगे। आठवां है, मान लीजिए कोई आपको परेशान कर रहा है, किसी भी तरीके से परेशान कर रहा हो, चाहे मकान मालिक हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, तो उस परेशानी को खत्म करने के लिए आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें, फिर आप उसका लाभ देखिए, आपको अद्भुत लाभ मिलेगा। जमीन का विवाद हो, मुकदमेबाजी चल रही हो, तो उसमें भी यदि आप इसका पाठ करते हैं तो भी अद्भुत लाभ मिलेगा, मुकदमेबाजी में अच्छा फैसला आएगा, सही फैसला आएगा, ये नवा है।
यदि आपके ऊपर या यदि आपके साथ में कोई मुकदमेबाजी चल रही है तो आप इसका पाठ जरूर करें। दसवां है मोक्ष की प्राप्ति। इसका नित्य निरंतर अगर पाठ किया जाए गजेंद्र मोक्ष का तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्यों? क्योंकि हमारा जो चौथा स्तंभ है धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो यदि आप इसका पाठ करते हैं तो आपके जो प्रारब्ध है या जो पूर्व जन्म के कर्म है वो सही होने लगते हैं और आने वाले जो जन्म है आपके वो सुधरने लगते हैं, आपको फायदा मिलेगा। अब जरूर एक बार गजेंद्र मोक्ष का पाठ शुरू करें। गजेंद्र मोक्ष तीन तरीके से है। संस्कृत में आप पढ़ सकते हैं यदि आप पढ़ना चाहें। इसके बाद में गद्यांश और पद्यांश दोनों में है, यानी कि हिंदी में भी है और अवध भाषा में भी है। जो भी आपको अच्छा लगे आप पढ़ सकते हैं। कोई खास इसकी विधि नहीं है। भगवान नारायण का ध्यान करके, भगवान नारायण का ध्यान कीजिएगा और ध्यान करने के बाद में प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय के आसपास या सूर्योदय से पहले अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो सोने पे सुहागा होता है, 100% लाभ मिलता है और सभी देवी देवताओं की इतनी अच्छी कृपा बनी रहती है उस इंसान के ऊपर, उसके घर में सभी हंसते खेलते रहते हैं यदि प्रातः इसका स्मरण किया जाए। जो भी आपको अच्छा लगे, जिस भी तरीके से आपको अच्छा लगे आप पढ़ सकते हैं, इसका आपको अद्भुत लाभ मिलेगा। किताब जो है वो ये है गजेंद्र मोक्ष। आप इसका पाठ, ये किताब है गीता प्रेस की। मैं खुद गीता प्रेस की ही पढ़ता हूं और इसमें ये फायदा है कि त्रुटि नहीं होती। आप इस प्रकार की यदि आप गजेंद्र मोक्ष पढ़ना चाहते हैं तो इसको पढ़ सकते हैं, इसमें आपको लाभ मिलेगा और गीता प्रेस की खास बात है कि आपको इसमें त्रुटि नहीं मिलेगी। तो ये संस्कृत के रूप में भी है और हिंदी में भी है, अवध भाषा में भी है। जो भी आपको अच्छा लगे आपको इसका पाठ जरूर करना चाहिए। मान लीजिए पढ़ना नहीं आता तो किसी से कहिए तो आप सुनेंगे भी तो भी आपका बेड़ा पार हो जाएगा। जैसे आपके क्या बोलते हैं भाई, पुत्र पुत्रियां हैं वो तो पढ़े लिखे हैं और आप आराम से स्नान आदि से निवृत्त होकर इसका पाठ सुन सकते हैं। सुनने से भी बहुत अच्छा लाभ मिलता है, दोनों को, सुनाने वाले को, सुनने वाले। और इसके विषय में आप जानते ही हैं, जो कथा है एक हाथी के द्वारा। हाथी पिछले जन्मों में इंसान था, उसने भगवान नारायण की सेवा भक्ति की थी। उस सेवा भक्ति को जब उसको हाथी का जन्म मिला, कोई कर्म भोगना बाकी होगा इसलिए उसको हाथी का शरीर मिला था, तो उसको पिछले जन्म की स्मृति थी, याद था। तालाब में वो स्नान कर रहा था तो मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। तो कोई जब उसको स्मृति हुई तो उसने भगवान परमात्मा का ध्यान किया, आह्वान किया कि आकार कौन है, निराकार कौन है, जो भी है, जो भी भगवान के रूप में है वो आ जाए और मेरी रक्षा करे। तब सभी देवी देवताओं को छोड़कर भगवान नारायण ही आए थे और चक्र से उस हाथी का रक्षा की और चक्र से मगरमच्छ के मुख को काट दिया। तभी से ये बंधन मुक्त करने वाला माना गया और इनकी ये स्तुति शीघ्र लाभ देने वाली। जो जो शनि और राहु से ज्यादा पीड़ित रहते हैं, शनि और राहु बंधन में डाल देते हैं, शारीरिक कष्ट हर तरीके का पहुंचाते हैं, तो गजेंद्र मोक्ष आप पढ़ेंगे तो तुरंत लाभ मिलेगा। राहु के लिए तो ये रामबाण इलाज है,
चिंता मुक्त कर देंगे। जरूर पाठ करें। विधि सिर्फ इतना ही है, प्रातः सूर्योदय के आसपास ब्रह्म मुहूर्त में इसका पाठ कर लिया जाए तो पूरा दिन आपका अच्छा जाएगा, हंसते खेलते हुए निकलेगा। एक बार जाप करें, तीन बार जाप करें, 11 बार, 5 बार, जो भी आपकी श्रद्धा, कम से कम 3 बार तो पाठ करना जरूरी है शुभ परिणाम के लिए। सही तरीके से किया जाए तो कर्ज से भी मुक्ति ये प्रदान कर देते हैं, शुभ फल मिलता है। तो इस तरीके से आप इसका फायदा उठाएं। 5 फायदों के साथ साथ मैंने इसके काफी फायदे आप लोगों को बताए हैं। और भी कुछ इसके बारे में आपको जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, श्री राधे।